हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज हम बात करेंगे कि मतलब फ्लैश क्या होता है, फ्लैश चैम्बर क्या होता है, किसमें? इवेपोरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा फ्लैश क्या होता है। फ्लैश दोस्तों हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने डिफिनेशन लिखा है, पहले डिफिनेशन आपको पढ़ के समझाता हूँ, फिर बताते हैं कि क्या होता है फ्लैश। ओके, कह रहा है कि व्हेन हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर पास थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व इट गेट्स इवेपोरेटेड पार्शियली। तो देखो होता क्या है, अक्सर जब हमारा ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर हमारा कंडेंसर में जाता है, जब कंडेंसर के बाद क्या एक्सपेंशन वाल्व में जाता है, जब एक्सपेंशन वाल्व से जो हमारा वेपर हमारा निकलता है यहां से, तो जो हमारा वेपर रहता है उसमें लिक्विड और वेपर की दोनों की मात्रा रहती है, लिक्विड रहता है प्लस वेपर रहता है। कहने का मतलब पूरी तरीके से वेपर तो रहता है, इसमें लिक्विड के भी पार्टिकल रहते हैं, यानी कहने का मतलब वो हमारा कैसा रहता है, पार्सली रहता है। जो हमारा इवेपोरेटर रहता है इट गेट्स इवेपोरेटेड पार्सली, तो जो पार्सली हमारा इवेपोरेटेड है ना इन लिक्विड रेफ्रिजरेंट, दिस इज कॉल्ड फ्लैश। समझ में आया कहने का मतलब? वही लिखा हुआ है, व्हेन अ हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर, जब कंडेंसर से हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा निकलता है, पास थ्रू द कंडेंसर, कंडेंसर से पास होता है, फिर एक्सपेंशन वाल्व से गेट्स इवेपोरेटेड, द एक्सपेंशन वाल्व इट गेट्स इवेपोरेटेड पार्शियली, तो हमारा क्या होता है, वो पार्शियली इवेपोरेटेड होता है। जो दिस पार्शियल इवेपोरेशन, जो हमारा पार्शियल इवेपोरेशन होता है ऑफ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, दिस इज नोन एज ए फ्लैश। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे इसमें ये हमारा साइकिल कैसे चलता है, इसमें जो फ्लैश हम लगाते हैं, फ्लैश चैम्बर इसको लगाते क्यों है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके सीओपी में हमें क्या फायदा मिलता है, देखते हैं इसमें हमारा साइकिल कैसे चलता है। साइकिल सेम है, बस क्या है, जो हम फ्लैश चैम्बर को यहां रखते हैं वो एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच में हमेशा लगाते हैं। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, कंडेंसर हो गया, कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन के बाद हमारा फ्लैश चैम्बर है, ये हमारा इवेपोरेटर है और ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है। ओके, अब क्या होता है, जो फ्लैश चैम्बर है ना ये हमारा इंसुलेटेड कंटेनर का बना होता है। इसका क्या काम होता है, जो भी हमारे लिक्विड पार्टिकल रहते हैं और वेपर पार्टिकल रहते हैं, तो ये जो वेपर पार्टिकल रहते हैं वो ऊपर रहते हैं और ये वाटर के पार्टिकल, यानी इसका काम क्या होता है फ्लैश चैम्बर का, दोनों को अलग करके रखता है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा। कैसा बना होता है, हमारा इंसुलेटेड कंटेनर का बना होता है। अब देखो दोस्तों, इसके फायदे क्या होते हैं, हमारा यहां से कंप्रेसर है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर हमारा निकला, प्रेशर और टेम्परेचर क्या इसका हाई है, जैसा कि आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल में पढ़ा होगा। कंप्रेसर के बाद क्या है, कंडेंसर में जाती है। अब कंडेंसर में क्या होता है, जो हाई प्रेशर हमारा रहता है वेपर, वो हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो यहां चेंज होने के बाद फिर यहां क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। जब एक्सपेंशन वाल्व में जाता है तो यहां जो इसकी इसमें क्या होते हैं, टोटल वेपर तो होते नहीं, जब एक्सपेंशन से निकलता है तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और इसमें लिक्विड के और वेपर के दोनों पार्टिकल रहते हैं, दोनों पार्टिकल रहते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट इवेपोरेटर में भेजते हैं, अभी मैं इसको सपोज दैट नहीं मानता हूं, अगर मैं डायरेक्ट इसको इवेपोरेटर में भेज दूं तो जो हमारे वेपर पार्टिकल रहते हैं उनका कोई इसमें जो कूलिंग का प्रोसेस होता है इसमें कोई मतलब प्रोसेस इसका नहीं होता, सिर्फ क्या करता है, जो वाटर के पार्टिकल रहते हैं उसकी लेटेंट हीट को एब्जॉर्व करके ये कूलिंग प्रोवाइड करता है। ओके, तो हम इससे अच्छा क्या करें, हमने क्या किया, एक फ्लैश चैम्बर को लगा दिया बीच में। अब फ्लैश चैम्बर को लगाने से फायदा क्या है, अब हमने जो इसमें लिक्विड पहले वेपर आ गए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड को अलग कर देता है, जो लिक्विड के पार्टिकल रहेंगे और जो वेपर के पार्टिकल रहेंगे उनको अलग कर देता है। तो जो वेपर के पार्टिकल रहते हैं हम इवेपोरेटर पे ना भेज के, अगर हम दोनों को भेजते हैं तो क्या करता है, हमें लार्ज इवेपोरेटर की जरूरत पड़ती है, हमें इसको ना लार्ज इवेपोरेटर की जरूरत पड़ती है हमें। बट अगर हम क्या करें, जो हमारा इवेपोरेटर है ना, सॉरी जो फ्लैश चैम्बर है, तो जो हमारा वेपर बचता है ना उसको हम क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्ट यहां से कंप्रेसर में भेज दे रहे हैं, डायरेक्ट कंप्रेसर में भेज दे रहे हैं, फिर यहां से कंप्रेस हो जाएगी। और जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल हैं, जो हमें लेटेंट हीट यहां से चाहिए उसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेटर में भेजते हैं, जो हमारा क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का काम करता है। वेपर तो हमारा कोई रेफ्रिजरेंट का यहां काम करता नहीं है, तो ये इससे फायदे क्या होते हैं, हमारा जो इवेपोरेटर है वो हमें लार्ज की जरूरत नहीं पड़ती, यहां वेपर भी जाएंगे लिक्विड के पार्टिकल जाएंगे तो एरिया क्या होगा, ज्यादा लेगा, हमें लार्ज इवेपोरेटर की जरूरत पड़ेगी। और जब हमारा वेपर का कोई यहां रोल ही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सीओपी भी इस तरह से कम होगी, तो इससे कंडीशन क्या होती है, फायदे हमारे क्या हो जाते हैं,
जो हमारा इवेपरेटर का साइज है वो हमें बढ़ाना नहीं पड़ता और हमारी सीओपी भी क्या होती है, इंक्रीज रहती है। तो ये दोस्तों पूरा साइकिल इस तरीके से वर्क करता है। और इसका पीएच डायग्राम अगर हम देखें तो पीएच डायग्राम कैसा है, 1 से 1 डैश, अगर इसको मैंने सोक किया जैसे, ये 1 kg हमारी जा रही है, फिर यहाँ xkg निकल जा रही है जो हमारी वेपर है, ये क्या है वेपर है। तो हमारा जो यहां अमाउंट जा रहा है ना इवेपरेटर पे कितना जा रहा है, 1 - x जा रहा है। फिर इवेपरेटर से जो हमारा निकल रहा है उसको मैंने 2 कर लिया, फिर यहां से मैंने 3 किया है और कंडेंसर से 4 किया है। जब हम आगे बात करेंगे इसके सीओपी के बारे में अभी नेक्स्ट में, तो डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल में कि इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। ओके दोस्तों, बात करते हैं पीएच डायग्राम में। ये हमारा क्या है, इवेपरेशन को शो कर रहा है, 1 से 2 हमारा साइकिल, फिर 2 से 3 हमारा क्या है, ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, फिर दिस इज द कंडेंसेशन, और हमारा ये क्या है, हमारा थ्रॉटलिंग का प्रोसेस है। तो ये दोस्तों हमारा होता है फ्लैश चैम्बर। और इसके फायदे क्या है, इस तरीके से हम थ्योरी में अपने क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। दोस्तों जल्दी ये थ्योरेटिकली पूछा जाता है, मे बी कभी कभी न्यूमेरिकल इसके आ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।